अपराधियों की सक्रियता जिस तरह से बढ़ रही है या बढ़ने देखिए हमने विधानसभा चुनाव को मैं 34 साल नौकरी में हुए जितने भी चुनाव हुए हैं करीब करीब सब चुनाव को मैंने करवाया है क्योंकि अधिकांश समय मैं 8-9 डिस्ट्रिक्ट में एसपी रहा हूं जब तक डीआईजी रहा हूं अधिकांश टाइम रेंज में डीआईजी रहा हूं आईजी रहा हूं जोन में आईजी रहा हूं एडीजी होने के बाद भी जोन में रहा हूं मुझे चुनाव कराने का बहुत अनुभव है तो मैंने वो चुनाव भी देखे थे और मुझे अच्छी तरह से याद है जब बंदूक और गोलियां चलती थी और शोषकों को दलितों को पीड़ितों को मजबूत लोग डराते थे धमकाते थे बूथ पर जाने से रोकते थे और मैंने तो यहां तक देखा है कि लोग गोली और हथियार भी बांटते थे वो जमाना अब लद गया। आप देख रहे हैं पिछले बार लोकसभा का चुनाव हुआ उसके पहले के चुनाव का देख लीजिए 15 साल में जितने चुनाव हुए पूरी तरह से हिंसा मुक्त। अब किसी के औकात है किसी को बूथ पर जाने से रोक देगा किसी को वोट देने से रोक देगा और किसी के औकात है कि किसी को गोली चला करके कोई रोक देगा। तो लोगों में बहुत जागृति आई है लोग अपने वोट का महत्व समझने लगे हैं लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक हुए हैं और प्रशासन चुस्त है दुरुस्त है और बिहार पुलिस इस मामले में बिहार पुलिस की कभी कोई बदनामी नहीं रही है निष्पक्ष और पूरी तरह से शांतिपूर्ण। शांतिपूर्ण केवल होना महत्वपूर्ण नहीं है शांतिपूर्ण के साथ साथ निष्पक्ष मतदान हो कि मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार को जाकर के या अपने पसंद के दल को वोट कर सके ये बहुत चुनावी पर्व में महत्वपूर्ण होता है। इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे और एक इतिहास बनेगा। कोरोना के समय ये होने वाला चुनाव पूरे देश के लिए एक मिसाल होगा और बिहार का नाम बहुत शान से लिया जाएगा। इतना